ओके, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट लास्ट 8 क्वेश्चंस ऑफ SCV2 चैप्टर 31 कैपेसिटर्स. क्वेश्चन नंबर 61, लेट्स सी. स्फेरिकल कैपेसिटर इज मेड अप द टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स ए एंड बी, दिस एंड दिस. द स्पेस रेडियस ए एंड बी. द स्पेस बिटवीन द शेल इज फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के अप टू द रेडियस सी, यहाँ तक है. Shown in the figure, calculate the capacitance. So this is the case of two spherical capacitor. एक तो ये बन गया वन और ये टू. एक तुम्हारा डायलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एयर फील्ड है, वैक्यूम फील्ड है. तो स्पेरिकल कैपेसिटर्स का और सीरीज में होंगे क्योंकि चार्ज देखो ऐसे आउटवर्ड जाएंगे. अंदर सपोज हमने बैटरी कनेक्ट की और बाहर अर्थिंग कर दी, चार्ज विल मूव आउटवर्ड. एक प्लेट से होते हुए दूसरे में जा रहे, सीरीज में है. तो सी इज इक्वल के 4πε0 R1 R2 upon R2 minus R1. ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला होता है, राइट. तो दोनों का लिख के हम ऐड कर देंगे. तो हमने क्या किया, C1 C2, अभी अलग से नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हमने फार्मूला लगाया सीरीज़ का. C1 C2 upon C1 plus C2, अंदर वाले का k टाइम्स होगा और उसकी रेडियस जो है अंदर की रेडियस a, बाहर की रेडियस c है. तो आउटर रेडियस c माइनस a हो जाएगा. और ये दूसरा कैपेसिटर बनेगा, उसकी बाहर की रेडियस बी है, अंदर की सी है. तो उसमें वैक्यूम फील्ड है. तो दोनों का 4π हमने अलग से लिख दिया. नीचे ऐड हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे 4πε0. तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ε0 चला जाएगा. तो ऊपर हम सिंप्लीफाई करेंगे. अभी सिंप्लीफिकेशन है, LCM लेके सिंप्लीफाई करो. कुछ टर्म्स जाएंगे, सी वाला जाएगा यहाँ से, एंड फाइनली वी विल बी लेफ्ट विद CS विल बी दिस मच. ऑल राइट. तो कैलकुलेशन पार्ट है एंड दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें. देखो, एक तो तुम्हारा दो कैपेसिटर बनने और सीरीज भी बनने. चार्ज जो भी चलेगा ऐसा जाएगा, है ना. चार्ज विल जस्ट मूव फ्रॉम वन टू अदर, देयरफॉर सीरीज में. तो बाकी तो फार्मूला याद करना है तुम्हें, ये वाला फार्मूला जो है. और आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस आता है नीचे, ऊपर दोनों रेडियस का प्रोडक्ट है, 4πε0 भी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भी दो कैपेसिटर हैं, दो कंडक्टिंग शेल हैं, दो कंडक्टर्स हैं. एक ये तीन है एक्चुअली, एक ये बनाएगा और ये बनाएंगे. ये अंदर एक कैपेसिटर बनेगा, दूसरा ये बनेगा. तो फिर से सिमिलर सिचुएशन है. अभी दोनों वैक्यूम फील्ड है, C1 C2 upon C1 plus C2, के नहीं आएगा. फिर से वही, इसकी बाहर की रेडियस बी दी है, इसके अंदर की है बी माइनस है. नीचे इसमें जो है बाहर की सी है, यहाँ पर तुम्हारा सी माइनस बी आ जाएगा, ठीक है. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, व्हेन वी सॉल्व इट LCM वगैरह लेके, तो कुछ टर्म्स जा रहे हैं देखो इसमें, एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद दिस. यहाँ पे चेक कर लेते थोड़ा, ये b माइनस ए एंड c माइनस ए दोनों में आएगा डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा. ये 4πε0 और यहाँ पर ए बी और बी सी, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया. नीचे ये तो चला गया इसका 4πε0 से. तो नीचे ये जब हम LCM ले रहे हैं, LCM वाला टर्म तो कैंसिल हो रहा है. तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर बी से माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, ठीक है, माइनस ए बी सी, ये चला गया, ठीक है. बी स्क्वायर कॉमन आ गया, सी पहले लिख लिया हमने, ठीक है. ऑल राइट, दिस इज ओके. तो ये आंसर आ जाएगा. एंड सपोज द स्पेस बिटवीन द टू इनर शेल्स ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन ए एंड बी. तो फिर से सेम सिचुएशन आ गया ये वाली. तो ऐसा ही आइडेंटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर तुम्हारे वैल्यूज भी सेम है. ए सी बी, हाँ सी, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा. फिर सेम, बिल्कुल सेम आंसर आना चाहिए, बिकॉज थिंग्स आर आइडेंटिकल एंड दो कैपेसिटर बनेंगे सिमिलर टू 61 और सेम टू सेम एज 61. आंसर भी सेम आना चाहिए, बिकॉज थिंग्स आर गिवन लाइक दैट, दो कैपेसिटर. तो देयरफॉर आई एम नॉट सॉल्विंग इट सेम है 61. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं. एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू बी कंस्ट्रक्टेड विच कैन
स्टोर दिस मच चार्ज एट दिस मच वोल्टेज एंड व्हाट इज द मिनिमम प्लेट एरिया इफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर मतलब डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जितनी वो मैक्सिमम फील्ड सस्टेन कर सके बिफोर इट इज़ गेटिंग ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिए इनडायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कैपेसिटर इज गिवन इन साइड। तो पहले तो हम चार्ज निकालेंगे क्यू एंड, क्यू एंड वी दिया है सी इधर क्यू बाई वी से चार्ज निकाले इतना चार्ज, और वेद वाले फार्मूले से डी निकल आएगा गैप। अगर गैप चेंज किया तो एयर आयोनाइज हो जाएगी, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो उसकी क्रॉस हो जाएगी, और कम किया तो इट विल बी क्रॉसिंग इट्स डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो आयोनाइज हो जाएगी एयर, इसलिए ये इसकी जो है डी इससे आ जाएगा तुम्हारा। ऑल राइट, तो सिंस ई इज इक्वल टू वी बाई डी, इफ़ यू डिक्रीज डी ई विल गो अप एंड इट विल नो लॉन्गर बी सस्टेनिंग दैट मच स्ट्रॉन्ग फील्ड, एयर विल गेट आयोनाइज, इट विल बी ब्रेकिंग डाउन। तो ये लिमिट है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी, डी निकाल लिया, और अकॉर्डिंग टू दैट एरिया निकाल लेंगे फिर हम। ए एंड डी वाज, सी एंड डी वाज इनडायरेक्टली गिवन, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो डी जो है ये मिनिमम है, इधर डी आएगा तो ए भी मिनिमम ही आएगा, इससे कम नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट वन इज 65, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द प्लेट्स एरिया सो मच दिस मच एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज दिस, कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज ऑन द वन प्लेट और फील्ड ऑफ द अदर प्लेट, टोटल प्लेट की जो टोटल फील्ड की आधी फील्ड करनी पड़ती। तो क्यू ई वेद वाले फार्मूले से ई इक्वल टू वी बाई डी, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो यहाँ पर और सी की वैल्यू, और ये तो वी स्क्वायर हो जाएगा दोनों, और सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पुट कर दी, ऑलरेडी एक डी और टू था तो इसलिए यहाँ पर डी स्क्वायर 2d² हो गया। नाउ वी विल पुट द वैल्यू, सारी वैल्यूज दिए, ऑल राइट। तो क्यू वॉज इनडायरेक्टली गिवन, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द विड्थ ऑफ ईच प्लेट इज बी, ये वाली विड्थ और ये लेंथ है। बैटरी ऑफ EMF इज कनेक्टेड, ऑल द सर्फेस आर फ्रिक्शनलेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M फॉर विच डायलैक्ट्रिक स्लैब विल बी स्टेइंग इन इक्विलिब्रियम। देखो जब डायलैक्ट्रिक स्लैब में क्या होता है, कैपेसिटर की जो कंडक्टिंग प्लेट है उस पर अगर इस पर प्लस चार्ज है, डायलैक्ट्रिक में इंड्यूस चार्जेज ऐसे आते हैं, पोलराइज हो जाता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये प्लस ये माइनस, तो स्लैब अपने आप अंदर जाता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इधर mg के बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ओके। तो देखो दो कैपेसिटर बनने हैं, ये C1 C2, दोनों पैरेलल में, एक कॉमन प्लेट है उसकी मेटल प्लेट एक साथ है, तो C1 जो है इधर वाली जो C1 है उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है k, तो k आ जाएगा, उसकी डिस्टेंस कितनी x है इतनी, और b उसकी वो है, तो इसका एरिया कितना होगा, ये तुम्हारा एक्स है, ये बी है, तो बी एक्स एरिया हो जाएगा। ऐसे ही है इसकी जो डिस्टेंस है एल माइनस एक्स है, रिमेनिंग इज इट्स डिस्टेंस ऊपर वाले, इसका एरिया बी इंटू एल माइनस एक्स, इसमें एयर नहीं है, इसमें डायरेक्ट स्लैब नहीं है, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, अब एयर की दोनों पैरेलल में है, ऐड कर दिया ये आ गया, फील्ड अट्रैक्ट द स्लैब, वी हैव टू अप्लाई द अपोजिट, ऑलरेडी दिस पॉइंट इज एक्सप्लेन टू यू, लेट स्लैब मूव बाय द डिस्टेंस डी एक्स, देन कैपेसिटेंस विल चेंज, कैपेसिटेंस और बढ़ेगा, अंदर जाएगा स्लैब तो सी से सी, सी प्लस डी सी हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, बट वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द फर्दर चार्ज विल मूव, कैपेसिटेंस बढ़ता है तो चार्ज भी बढ़ता है, क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी कॉन्स्टेंट है तो इट सी बढ़ेगा तो चार्ज, इट विल कैपेसिटर विल पुल सम फर्दर मोर चार्ज, तो चार्ज सप्लाइड विल बी
तो स्मॉल चेंज इन द कैपेसिटेंस इनटू वी स्मॉल चार्ज सप्लाई, तो वर्क डन बाई बैटरी कितना पड़ेगा, इतना उसको चार्ज एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ता है, दिस चार्ज इनटू वी, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू वी होता है। तो ये हो गया, तो डी क्यू की वैल्यू हमने ऊपर से पुट कर दी, तो वी है ऑलरेडी इसमें, वी है एक वी है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें रोक के भी रखना है उसको, अपोजिट फोर्स लगा के एक्सीलरेट नहीं होने देना, इक्विलिब्रियम स्लैब लग ऑफकोर्स मास रोक के रख रहा है, बट इनिशियली इट विल हैव द मोर फोर्स, या फिर स्मॉल इनवर्ड मोमेंट इनिशियली, इट मीन्स देर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स इनिशियली, इट विल टेंड टू इंटर इन साइड, तो हमें अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो एफ डी एक्स है ना माइनस, तो ये हमारा वर्क डन है एक्सटर्नल सोर्स, तो टोटल वर्क डन है कैपेसिटर बैटरी का प्लस हमारा, तो दिस ये माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इट शुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन द एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी डी यू, एनर्जी का सिंबल यू होता है स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी डी यू, तो दैट विल बी इक्वल टू दैट इज गिवन बाई हाफ, जितना कैपेसिटेंस चेंज होगा हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी, स्मॉल इंक्रीज स्मॉल चेंज इन द कैपेसिटेंस, जितना थोड़ा कैपेसिटेंस बढ़ा उतनी एनर्जी, तो ये जो नेटवर्क है ना दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन द चेंज इंक्रीज इन द एनर्जी, बैटरी ने किया लेकिन कुछ हमने अपोजिट खींच के रखा, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट बाकी विल बी एनर्जी कंजर्वेशन, तो बाकी कहाँ जाएगा एनर्जी उसकी बढ़ेगी। बस इसको हमने एफ के लिए सॉल्व कर लिया, ऊपर से ये इधर ले आए और ये टर्म इधर ले आए और डी एक्स को नीचे भेज दिया, ठीक है, बस अभी सी ऊपर से जो हमने निकाला है सी उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये सी है नेट सी है, इसको यहाँ पे पुट करके डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा कांस्टेंट है, एक्स का वन हो जाएगा के माइनस वन बचेगा, तो ये बचेगा, तो दिस इज द फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू एम जी एट इक्विलिब्रियम, तो जी को नीचे भेज देंगे, दिस इज द फोर्स, इसमें देखो क्या क्या रहा है, एप्सिलॉन पोटेंशियल का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे वी इज इक्वल टू वी नहीं था तो वी इज इक्वल टू ई हमने पुट कर दिया, ई था तो लास्ट में चेंज कर दिया, पहले नहीं चेंज किया, तो ई एम एफ स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी उसकी जो विड्थ है प्लेट्स की के माइनस वन आ रहा है, और यहाँ पर टू इंटू जी इंटू गैप बिटवीन द प्लेट्स आ रहा है, अल्टरनेट मेथड भी है इसका, ओके यू कैन सी दिस फुल मेथड, यू कैन जस्ट ओके जस्ट लेट मी शो यू लाइक दिस, विल सी इट्स अल्टरनेट मेथड ऑल्सो, एनर्जी निकाल ली हाफ सी वी स्क्वायर से, दो दो कैपेसिटर बनने सी वन प्लस सी टू, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कंजर्वेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करते तो फोर्स मिलता है, माइनस मीन्स अट्रैक्टिव आएगा यहाँ पर इन दिस केस, तो मॉड लिया तो माइनस हटा दिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्ट लिखा मैंने, देखो ये आगे आ गया, ये भी आगे आ गया, नीचे टू भी है, इसका डिफ्रेंशिएशन देखो के प्लस ज़ीरो माइनस वन, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो ये तुम्हें डाउट आएगा कि कहाँ से आएगा डिफ्रेंशिएशन, जस्ट आई एम एक्सप्लेन यू, के एक्स का हो जाएगा के एल का ज़ीरो एक्स का वन, ठीक है, तो यहाँ पे के माइनस वन बचेगा, दैट शुड बी इक्वल टू एम जी एट इक्विलिब्रियम, बस सेम आ गए स्टेप्स ऑलमोस्ट, देखो ध्यान से देखो तो ये एनर्जी का ही डिफ्रेंशिएशन था, देखो हाफ सी वी स्क्वायर का, तो हाफ वी स्क्वायर आगे कर दिया सी, और ये यहाँ पर क्या होता है डी एफ वाई डी एक्स डी यू का एनर्जी का, एनर्जी जो है ये हाफ सी वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है, ध्यान से देखो, तो वो स्टेप पर हम डायरेक्ट आ गए थे इधर, तो इफ़ यू फॉरगेट दैट एक्चुअल मेथड यू कैन जस्ट स्टार्ट विद दैट एनर्जी से डिफ्रेंशिएट करके, फर्स्ट वन इज द प्रॉपर मेथड, ये शॉर्टकट मेथड है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
figure shows two parallel plate capacitor with the fixed plates connected to the batteries. ठीक है, separation between the plate is same for the two capacitor. The plates are rectangular in shape, width is B, length is L1 L2, left half is connected, has a dielectric slab of constant K1, right का K2 है, no friction. Find the ratio of EMF of the left battery to that of the right battery for which the dielectric slab may remain in equilibrium. तो equilibrium में net force zero है, force की net force zero, ये इधर फोर्स, इसका इधर F1 इज इक्वल टू F2, दैट्स ऑल. तो F1 इज इक्वल टू F1 लिख लिया हमने, F2 लिख दिया अभी ऊपर जो डेरिवेशन किया था, EMF का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट विड्थ अपॉन 2D K1 माइनस 1, ऐसे ये भी इक्वेट कर दिया. क्या क्या टर्म्स चले जाएंगे, ये चला जाएगा, D चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा. तो E1 बाई E2 विल अंडर रूट ऑफ K2 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस 1. तो इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. ये फार्मूला नहीं याद है तो डिराइव करके निकालना पड़ेगा. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 68. कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर. द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव द एरिया ए एंड क्लैम्प्ड इन द लेबोरेटरी. द डायलैक्ट्रिक स्लैब इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द लेंथ ए इनसाइड. ठीक है, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी शो दैट स्लैब विल एग्जीक्यूट पीरियोडिक मोशन एंड फाइन इट्स टाइम पीरियड. देखो फोर्स जो है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. ये प्लेट पॉजिटिव रहती है तो स्लैब में पोलराइजेशन से नेगेटिव वो रहता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स. ये नेगेटिव रहती है कैपेसिटर की प्लेट, तो स्लैब में पोलराइजेशन से अपोजिट लेयर डेवलप होती है, तो अट्रैक्टिव फोर्स. तो लेकिन फोर्स का डेरिवेशन ऑलरेडी हमने किया है, कॉन्स्टेंट फोर्स है ये. तो कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन की सिचुएशन आएगी, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन है तो काइनेमेटिक इक्वेशन से हम यूज़ कर सकते हैं. बट इसमें थोड़ा सा सिमेट देखो देखना पड़ेगा. यहाँ से हमने छोड़ा तो ए अंदर है, अट्रैक्टिव फोर्स इधर चलेगा. एक सिचुएशन ऐसी आएगी यहाँ पे पहुँच जाएगा, पूरा ऑक्यूपाई करेगा. दोनों एल हैं, देखो ये भी एल है और इसका भी एल है, दिया है ऊपर. ये भी एल है, ठीक है, बोथ आर ऑफ लेंथ एल. ठीक है, तो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा यहाँ. तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम T1, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही, L माइनस है. ये डिस्टेंस यहाँ तक जब पूरा आएगा तो L माइनस है. ये अगर इधर की L है तो इधर की L माइनस ही रहेगी. ठीक है, तो वो डिस्टेंस कवर करेगी दैट टाइम T1 में. तो हमने निकाल लिया ये टाइम T1, L माइनस है कि ये T1 निकाल लिया वैल्यू पुट करके. हाफ AT स्क्वायर, ये हमने फिर से फोर्स का प्रीवियस वाला फार्मूला यूज हुआ. तो T1 अभी जैसे ही ये बाहर निकलेगा, अभी पोलैरिटी देखो इधर फिर से, तो ये यहाँ पर ये माइनस ही रहेंगे इसके, ये प्लेट. तो फिर से अभी अट्रैक्शन, ये प्लेट माइनस रहती है पोलराइजेशन से इसमें. ठीक है, तो अभी अपोजिट फोर्स रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा जैसे बाहर निकलना शुरू होगा. रिटार्डेशन तो सिमेट्रिक कंडीशन है, जितना टाइम उसको ये ट्रेवल करने में लगा उतना ही टाइम बाहर. अभी ये पूरा L माइनस, ये जितना L माइनस ए ट्रेवल किया तो बाहर भी L माइनस ए तक ही जाएगा रिटार्डेशन. सपोज ये 1 मीटर, तो बाहर 1 मीटर ही जाएगा सिमेट्रिक से. जब अब बाहर निकले ब्रेक लगाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस उतना रुकने में डिस्टेंस गाड़ी का समझ लो वैसे, तो फिर से वो L माइनस ए ही रिटार्डेशन से सेम टाइम विल बी रिक्वायर्ड, आइडेंटिकल रिटार्डेशन सेम टाइम. तो डबल करना पड़ेगा, ये 2 आया था ये 4 हो गया. फिर से अभी जब पूरा ये सिचुएशन आ गई, अभी फोर्स इधर लग रहा, फिर से वो इधर आना शुरू हो गया ऐसे, फिर से इस सिचुएशन तक आएगा. तो टाइम को हमें एक साइड का जो जर्नी है ना उसको डबल करना पड़ेगा. इन रिटर्न जर्नी सेम टाइम, तो टोटल टाइम विल बी 2T ऑफ द फॉरवर्ड जर्नी. ये टोटल टाइम है, देयरफॉर टोटल टाइम. तो बट ये सिंपल पीरियडिक मोशन रहेगा इसमें, आई मीन पीरियडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा. बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन में एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स,
तो यहाँ पे लेकिन एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है। देखो एक्सलेशन देखो कांस्टेंट है, एक्स आया कहीं पे नहीं आया, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है नहीं। तो दिस इज जस्ट पीरियोडिक मोशन, नॉट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑल राइट, शैल आई शो यू फुल सोल्यूशन? देखो ओके, डायग्राम देख लो सिमेट्रिक सिचुएशन का। ये देखो फिर से समझो, यहाँ पर जो है एल बाई ए ट्रेवल किया उसने, ये फिर ब्रेक्स आइडेंटिकल ब्रेक्स लग रहे तो और एल बाई टू एल माइनस ए सॉरी एल माइनस ए ट्रेवल किया, जब पूरा फिल हो गया जैसे ही बाहर निकलना शुरू होगा अपोजिट फोर्स अभी, तो सिमेट्रिकल रिटार्डेशन सेम अपोजिट फोर्स है ना, तो सिमेट्रिकल रिटार्डेशन उतना टाइम उतना और आगे जाके रुकेगा है ना, तो फिर से उतना ही टाइम लगेगा, फिर टी टू विल भी सेम, और टोटल टाइम एक साइड का निकाल दिया टी वन प्लस टी टू, फिर रिटर्न जर्नी में भी उतना ही लगेगा, डबल कर दिया इसको भी डबल कर दिया। ऑल राइट, तो यू कैन सी दिस, दैट्स ऑल, दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।